ठीक है जी, हमें प्रियांशी तैयार हो रही है। हाँ मुझे पता है, इतनी भी कुछ खास नहीं लग रही, फिर भी आप कमेंट बता ही दीजिए। अभी जब पूरी तैयार होगी जब ही बताइएगा आप, तभी तो भी दिखाएंगे हम, जब हम पूरी तरीके से तैयार हो जाऊंगी। आधी तो दिखाई दी हमने, पूरी भी दिखा देंगे ना निकल रहा है। और 15 मिनट का काम है। इतना बाप हमारी मैडम सो रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं घर पे। गाइस देखिए, हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, हमको इलेक्शन में चुनिएगा। अगर आप हमें चुनेंगे तो हम आपको बहुत सारा, इनको इग्नोर करते हुए, हम आपको बहुत सारे सुविधाएं प्राप्त करवाएंगे। उनमें से कुछ चंद सुविधाएं हैं, उनमें से कुछ चंद सुविधाएं हैं, जैसे कि हम आपको कुछ भी नहीं दे पाएंगे, माफ कीजिएगा, पर आप हमें इलेक्शन में जरूर खड़ा कीजिएगा। फिर हमारे घर वालों की बोलती बंद हो जाएगी कि तू कुछ भी नहीं करती। अब मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे मेरी कुटाई हो सकती है, तो बाय। और जिसको पानी पीना हो हम पानी पी आएंगे, हम पुण्य का काम करेंगे, बहुत बड़े पुण्य का काम करेंगे हम। आओ पानी ले जाओ, आओ। डर जाओ गाइस, एक मिनट रुक जाओ। देखिए देखिए इन छोरिया, मां ने कद कही एक ना है, नु कद कही ना है, नया कल सरी लग गागरी पई सुथरी है, पर ले भरा दे नलो ना। यूजफुल नहीं है खास कर तेरे लिए, है ना। ले यो उधर का एक बार, ये देखिए गाइस, ये भी किसी काम की चीज नहीं है। खैर कार्तिक गाइस, आप हमें वोट दीजिएगा, हमारा चुनावी चिन्ह है मटका, नहीं मटका, ठीक है मटका ही है, टोकनी टोकनी तोड़ दिया गाइस। देखिए गाइस, प्रियांशी बस अभी तैयार होने वाली है। ना पड़ेगा, अपने आशील लग तो सुंदर रही है, क्योंकि मैंने मेरे सुपरविजन में तैयार हुई है ना, इसीलिए मम्मी मम्मी वैसे ही कह रही हूँ ना कि प्रियांशी बहुत सुंदर लग रही है, क्योंकि वो मेरे सुपरविजन में तैयार हुई है। प्रियांशी का भी मन कर रहा था कि कार्तिक को फोड़ दे, लेकिन मजबूरी मजबूरी। गाय कार्तिक का कुर्ता है, आने को रे मेरे को भी आ जाएगा। कार्तिक मेरे भाई, भाई डन कार्तिक, उल्टा बोल रहा है वो। गाइस बताइए प्रियांशी अब कैसी लग रही है, ये कुछ फाइनल टचेस है प्रियांशी के लिए। प्रियांशी भी और कुछ बाकी है ये देखिए गाइस, प्रियांशी हमें आप बहुत सुंदर लग रहे हो, वो बात लगे, आपके चेहरा थोड़ा सा ना काला काला सा आ रहा है, लेकिन फिर भी आप अच्छे लग रहे हो। आपको शूट करना ही नहीं आता, क्या करे घटिया इंसान। चल तुम तो एक देखिए, अब हमारे साथ वो ये हुई कंफ्यूजन, वो ट्रेजेडी हमारे साथ ये हुई कि अभी है ना मेरा जो ये क्या कहते चुन्नी है ना वो सेट नहीं हो रही थी, तो आंटी ने और मम्मी ने कही कि इसको है ना जरा इसको रुक जाओ। गाइस देखिए, कब लगी थी मैं, जब मैं शूट कर रही थी ना तब बजे हुए थे 3, और अब आप गैस कर सकते हो कितना टाइम हो गया होगा, 6:30 हो गया, कभी 5 रुकने लग गए।
मेरे तो कमर भी दुखने लगी। हाय चलो भाई चलो, आज हमने इस दामन का पूरा उपयोग ले लिया है भाई, अब बस इसको निकाल के रख के। हाँ भाई दामन वाली वीडियो जरूर देखना, जब तक ये ब्लॉग जाएगा तो आई थिंक सो 3 या 4 वीडियो तो डल भी गई होगी दामन की, तो जरूर देखना। अच्छी लगी तो उसे लाइक भी कर देना चैनल पर। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओ भाई बहुत मेहनत लगी आज तो, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल थकी मैं तो, मतलब यूँ मान लो 1 घंटा तो मेरे को तैयार होने में लग गया। 1 घंटे तो अभी चलते हैं। तो देखो आ गए ना, तो भाई गाइस देखिए रील राल बना लिए सब कुछ। अब जो सामान लेके आए थे सबसे मेन चीज, ये जो इतना सामान लेके आए हैं अब ये वापस करके आते हैं। आ जाओ तो फिर चलो गाइस चलते हैं। आज है संडे और संडे की सुबह उठे हम और मैंने बना दी थी सब्जी और मम्मी ने निकाल दी थी सारे के, मतलब झाड़ू निकाल दी थी और जिनने उन नीचे का पोछा भी कर दिया था मम्मी ने। तो अभी क्या करेंगे हम, अम्मी सो रही है, मम्मी बना रही है पापा के लिए रोटी, रोटी बना रही है, फिर पापा जाएंगे तो गए सास से चिड़िए पता नहीं क्यों, हाँ तो फिर पापा चले जाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि मम्मी अभी मेरा कुछ काम है नहीं, पोछा मैं बाद में आके मार दूँगी, पापा को जाने दीजिए। फिर तो मम्मी ने कहा ठीक है, तो ठीक है बाद में मारती हूँ। तो मैंने कहा मम्मी ज़रा मैं एक बार घूम के आती हूँ पंचायत में से। तो मम्मी ने कहा, मम्मी हंसने लगी मेरे ऊपर कि हाँ हाँ जा जा जा, और अनवी रही है सो उसको सुला दिया गया है बिल्कुल। तो अभी मैं जा रही हूँ पंचायत, पंचायत यानी कि नहीं के तैर के बड़ी मम्मी के घर पर जा रही हूँ मैं तो, और बाकी सारी पंचायत सारे बच्चे वहीं इकट्ठा हो रखे हैं। तो चलिए चलते हैं। हाँ जी मैं डर रखी थी। देखो सारे बैठे हैं, खामोश क्यों करा था मैं सारों को। अरे पूछो मानती आई थी तू, अरे इसने राग दे यलबादी रे। मारूंगी बहुत मारा था। देख देख मेरी मम्मी कितनी राजी हुई है देखियो। यार तू आन क्या लेटा हुआ है, क्या काम करवाया इस आपने? अरे करती कुछ ना करते हुए भी थक गया। उठ के यार घूम के तो आया है बस। तो वैसे देखे घर पे पहुंच चुके हैं वापिस हम। बोल प्रिया बोले क्या लेकर आना है, बोल कर दी बताइए और क्यों कर। जैसे आप अभी बोल रहे थे वैसे बोल के दिखाओ। ये बोल रही थी भांड सी देख लो गाइस सारा सब कुछ खत्म कर दिया रन। अरे मैं शमका पुतले आंटी नु ने कहो कि हमने सिखा रखे है कंटी दोरा में नाचा करे। शमका पुतले आवाज ऐसे है, मैं शमका पुतले मैं रे कंट्रा में बाजे। हां 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 ओए बोल सुनाओ किसका पुतले, यो किसका पुतले, यो शमका पुतले, यो शमका पुतले। देख आंटी आंटी यो शमका पुतले, यो शमका पुतले, मैं शमका लातू, मैं शमका राजकुमार। हाँ मैं शमका राजकुमार, मैं सब कपाल हूँ। बहुत मेहनत के बाद मुझे फल मिला है,
मिल गया ना, सफर का फल मीठा होता है। लेकिन आंटी मीठा था सफर का फल, मीठा तो था। 5 महीने का आज फल मिला, आज आसी है 5 महीने में। तो गाइज आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को करना लाइक, शेयर एंड कमेंट, और साथ में चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी आगे आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।